आदरणीय चेयरमैन सर बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने जो वित्त संकल्प अपने सामने रखा उसके ऊपर अपने विचार प्रकट करने के लिए मैं खड़ा हूँ। और खास करके उन्होंने जो चार बातें कही थी, युवा, महिला, किसान, इन विषय को लेकर मैंने सोचा कि पहली बात जब आपने उन्होंने बेरोजगारों की बात की, कुछ नई स्कीम लाई है, तो उसके ऊपर पहली बात ऐसे कि उसकी उसकी जो नींव है वो पहले समझनी चाहिए। नींव ऐसी है सर कि आज हमारे पास सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी प्राइवेट लिमिटेड है, उन्होंने जो अपने सामने जो वास्तविकता सादर की है वह है एम्प्लॉयमेंट रेशियो राइजेस टू 9.2% इन जून 2024, पिछले महीने में 9.2% हमारे पास बेरोजगारी है। और इसमें भी उन्होंने ये कहा कि रूरल एम्प्लॉयमेंट अगर रेट देखेंगे तो 9.3% है। अब ऐसी स्थिति में ILO इंडियन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कि 83% लोग हमारे पास बेरोजगार है, जॉबलेस है। अब ऐसी स्थिति में हम जो बजट यहाँ रख रहे हैं तो हम अपेक्षा क्या करते हैं कि सबसे बड़ा अगर किसी पर असर पड़ता है तो युवा है, महिला है, किसान है। और ऐसी स्थिति में युवा, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारा देश युवाओं का देश है, अब युवाओं के देश में युवा बेरोजगार है। और उसकी अगर आगे आप जाके देखेंगे तो पीरियोडिक लेबर फोर्स जो सर्वे ये सरकार की करती है वो कहते हैं कुछ नहीं पाई, वो उनका जो रवैया है, जो तरीका है वो परसेंटेज निकालने का वो गलत है। वो कहते हैं सिर्फ 5.2 वो रेट देते हैं ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और उसका अर्बन एरिया के साथ में जो पिछले 3 वर्षों में उन्होंने बताया कि 2020-21 में रूरल में 3.3, अर्बन में 6.7, ये मिनिस्ट्री ऑफ सर्वे एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है हमारे पास स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट की, उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑन यूजुअल स्टेटस ऑफ पर्संस ऑफ एज 15 इयर्स एंड अबव इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया अलॉन्ग विद लास्ट 3 इयर्स इज 3.3 to 6.7, 21-22 रूरल 3.2, अर्बन 6.3, और 22-23 में 2.4, 5.4। अभी इसका इंडिकेटर क्या है, जब ILO कहती है 83% है, ये इस तरह से रिपोर्ट देकर हमारे देश को भ्रम पैदा करना चाहते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि शेयर ऑफ एजुकेटेड यूथ अमंग ऑल अनएम्प्लॉयड पीपल ऑल्सो इंक्रीज फ्रॉम 54.2 इन 2000 टू 65.7 इन 2022। और ये खास करके अगर आप देखेंगे कि युवा इतने बेरोजगार हैं, सर मुझे इसमें मैंने जानबूझकर पहले न्यू डाली कि हम क्या करना चाहते हैं, कौन सी स्कीम लाई हो आपने। ये जो सारी स्कीम आप देखेंगे तो स्कीम में आपको ये नज़र में आएगा, पहले क्या होता था कि बेरोजगार जाकर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना नाम रजिस्ट्री करता था, तब हमारे पास रियल डाटा आता था। अब हम किसके ऊपर निर्भर करते हैं, EPFO मतलब एम्प्लॉयमेंट जो प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंक पर हम तय कर लेते कि इतने बेरोजगार हैं। सर ये जो EPFO है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर का भी EPFO होता है। ये कहेंगे हमने रोजगार दिया, ये रोजगार शब्द कोई मेरा ऑब्जेक्शन है, नौकरी की बात करो, रोजगार की बात मत करो। आप जो अभी भी स्कीम में कर रहे हैं ना सर, अभी स्कीम उन्होंने जो लाई है उस स्कीम में आप अगर देखेंगे तो उसमें पता चलेगा आपको, उन्होंने जो सारी स्कीमें जो लाई है उस स्कीम में खास करके ये वो जो स्कीम है सारी चारों स्कीम कंपनियों में कैसे कैसे आप अप्रेंटिसशिप पे रखेंगे, क्या क्या उनको मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सारों चीज़ों में आप देखेंगे तो हर स्कीम 2 वर्ष की है। ये तो अग्निवीर हो गया, 2 वर्ष के बाद ये क्या करेगा, क्या देने वाले हो, 1 लाख तक महीना, हर माह जिसकी तनख्वाह 1 लाख है उसको 15,000 रुपया,
पहले तो मुझे समझ में ही नहीं आता उसको क्यों देना है, वो तो 1 लाख वहां तनख्वाह ले रहे, उसको क्यों देना है, उसको 15,000, 5,000 वो भी 3 महीने में। उसके बाद में अगर वो 1 वर्ष पे लड़का छोड़कर गया नौकरी, तो फिर क्या करोगे, कंपनी से हम पैसे लेंगे। मतलब सरकार के राशि से कुछ नहीं जा रहा है, सरकार से राशि से कुछ नहीं, जिम्मेवारी में नहीं, और बाकी सारा CSR फंड में होगा। ये सारी चीजों को देखते सर, तो ये जो चीजें आप लोग कर रहे हो, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सही में आपको अनएम्प्लॉयमेंट को निकालना है कि नहीं निकालना है। आप बेरोजगारी को सोचिए सर। मैं थोड़ा सा ट्रेड यूनियन में काम करता है, मेरे साथ में अनिल देसाई भी वही काम करते हैं। कहाँ नौकरी आए हो तो बताओ, पहले तो बताओ, 500 कंपनियां, बस भी कंपनियां तो बताओ, कहाँ नौकरी लगाने वाले हो। मैन्युफैक्चरिंग मुंबई जैसे शहर में तो सब गया, हमारे महाराष्ट्र में से तो सब लूट कर लेके गए। आप वेदांत फॉक्सकॉन गया, टाटा एयरबेस गई, बल्क ड्रग पार्क गया, मेडिकल डिवाइस पार्क गया, सारे कारखाने जो उद्योग थे लेकर गुजरात में लेके गया। तो रोजगार कहाँ है, कौन सा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आ रहे है? बताओ तो सही, कहाँ रोजगार देने वाले हो? हमारा एक सवाल, बुनियादी सवाल है, तब जाकर आप कहो। मैंने इसीलिए कहा ये कुछ नहीं है, ये अग्निवीर है सर। अभी आगे बताता हूँ आपने क्या किया, सारे पब्लिक सेक्टर बेच डाले, कहाँ नौकरियां बताओ तो सही, पढ़े लिखे बच्चे कहाँ जाएंगे? ये जो 10वीं 12वीं कक्षा के जो रिपोर्ट है मेरे पास, उस रिपोर्ट में आप देखेंगे कि जो कम पढ़े हुए बच्चे हैं उनकी संख्या 12वीं या 10वीं कक्षा पास करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, और ग्रेजुएट वालों की संख्या, वो कहाँ नौकरी करेंगे बताओ? बैंकों में लेने वाले? आप किसी भी बैंक के ब्रांच में जाकर देखो, अंधेरा छा हुआ है। अभी AI आएगा तो और भी तकलीफ आएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तब क्या करोगे? देश की आबादी का सोचो, 140 करोड़ में कितने लोग बेरोजगार है। आप देते हो सीधा 4 करोड़ लोगों को जॉब मिलेगा, 2 वर्ष के बाद में क्या करेगा, अग्निवीर बनेगा क्या? नहीं पता चल रहा है सर। और इसलिए मैं कहता हूं बैंक, इंश्योरेंस, रेल, पोस्ट, ऑयल, सारी कंपनी आपने बर्बाद कर दी। हाल ही में मैं जर्नी कर रहा था तो रेल में 2 कर्मचारी मिले मुझे, और उन्होंने कहा सर मैं बोला क्या करते हो, तो बोला मैं जनरेटर ऑपरेटर हूँ, एक ने कहा मैं हाउसकीपिंग करता हूँ। तो उसने कहा जब मैं नौकरी पे लगा तो उस वक्त मुझे 45,000 तनख्वाह मिली, 2 वर्ष के बाद में वेंडर चेंज हुआ, मेरी तनख्वाह सीधा 16,000 आ गई, फिर 2 वर्ष के बाद में नया वेंडर आया, फिर 18,000 पे गया, अब नया वेंडर आ, अभी और नया वेंडर आया 24,000। हमने तो सब प्राइवेटाइजेशन, हमारे यहाँ पार्लियामेंट में बैठे हम, कहाँ गए सब CISF? हमारी उनसे दुश्मनी नहीं है, समझने तो दो, BVG करता है हमारा सारा, हमारा राष्ट्रपति भवन BVG, पार्लियामेंट की सफाई BVG करने, हाँ CISF को लगा दे चौराहे पे लगाओ, अंदर क्या है, क्यों उनके ऊपर? मोदी साहब है तो मुमकिन है, वो अपनी नोकिया कंपनी मद्रास में एक दिन में मन में आया बंद कर दी, 40,000 लोग कहाँ जाएंगे नहीं पता, हम बता रहे नया जो बंद हो रहा है कौन बताएगा? आज हमारे ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गई सर, हमारी जो पहली पुरानी डीजल पेट्रोल इंजन की व्हीकल थी तो उसके लिए एंसिलरी बहुत सारे मूविंग पार्ट्स थे, उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल पे मूविंग पार्ट नहीं है, तो उसके लिए जो मूविंग पार्ट्स होने की वजह से एंसिलरी कंपनियां होती थी, आज सारी एंसिलरी कंपनियां बंद पड़ी, कोल्हापुर में जाओ एंसिलरी कंपनियां बंद पड़ी, बेरोजगार हुआ, उम्र वही 40-45, कहाँ रोजगार है? आपके रोजगार शब्द से मैं देखता हूं कहाँ रोजगार है वो तो बताओ। और सब सबसे बड़ी बात है कौन सी नौकरियां देते हो, आपके कानून इस देश में रोजगारों के लिए, नौकरियों वाले काम काम करने वालों के, मजदूरों के लिए क्या कानून बनाए सर? हमने कानून बनाया जिस कंपनी में 300 और 300 से कम कर्मचारी हो, अगर कंपनी का मालिक चाहता है बंद करना है तो उसको किसी की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, बंद करेगा। कृपया कंक्लूड कीजिएगा। बंद करेगा, मर्जी है मेरी मर्जी, उसके बावजूद हमारे क्या टर्म्स है सर, कैजुअल, कॉन्ट्रैक्ट लेबर और फिक्स टर्म। कैजुअल क्या होता है? कैजुअल मतलब एक दिन का काम है, बुलाया 2 दिन छोड़ दिया। हमारे नेवल डॉक में सरकार
सरकार नेवल डॉक में, मुझे पिछले हफ्ते लोग मिलने आए, 25 बरस सर कैजुअल एम्प्लॉइज, 25 बरस कंटिन्यू सर्विस, ब्रेक नहीं है, 25 बरस कंटिन्यू सर्विस करते हैं कैजुअल एम्प्लॉइज करके नेवल डॉकयार्ड में। ये तरीका है। मैंने रक्षा मंत्री को पत्र लिखा, मैंने वेस्टर्न कमांड को पत्र लिखा। पत्र लिखने के बाद क्या हुआ सर? पत्र लिखने के बाद इमीडिएटली वेस्टर्न कमांड सतर्क हुआ और उन्होंने सोचा कि अब हम वेंडर बुलाएंगे, जल्दी से थर्ड पार्टी कर देंगे। तो 25-25 साल नौकरी करने वाले लोगों को अब वेंडर के पास भेजोगे, अपनी जिम्मेदारी छूट गई। मर जाओ, किधर भी जाओ। माजगांव डॉक फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉय सर, प्लीज कर सर, दो दो बरस के लगते, दो बरस प्लीज कर। अब फिक्स्ड टर्म पे लग गए सर, अभी तो 5-7 मिनट नहीं हुआ, फिक्स्ड टर्म पे लग गए नौकरी पे। बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं राजनीतिक भाषण नहीं कर रहा हूँ, सारा राजनीतिक सुनते आया हूँ मैं भाई, बहुत बोल सकता हूँ उसके बारे में, मैं जानबूझकर नहीं बोल रहा, विषय जा रहे बाहर। फिक्स्ड टर्म दो बरस का रखते, फिर दूसरा टाइम बोलेंगे फिक्स्ड टर्म रखा था आपको, कितनी तनख्वाह दे रहे थे? 25,000 दे रहे थे, अभी नया फिर 1:1 कॉन्ट्रैक्ट कर रहे, सही एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे फिक्स्ड टर्म के लिए, और वो कहेंगे पिछली बार 25,000 दिया था, आप तो नहीं दे पाएंगे, अब 20,000 करना है तो करो, तो जाओ क्या वृद्धि है। फिक्स्ड टर्म 7-7 बार फिक्स्ड टर्म, माजगांव डॉक गवर्नमेंट PSU 14-14 साल लोग काम कर रहे हैं। एक्सिस बैंक, मैं नाम लेकर जानबूझकर बोल रहा हूँ, ठीक, लोग 10 बरस काम किए, तनख्वाह नहीं बढ़ रही सर, तनख्वाह बढ़ेगी कैसे? वो कितने वेंडर की बोल, वेंडर बोलता मैं देने के लिए राजी हूँ, बैंक मुझे दे नहीं रही है, हजारों कर्मचारियों के हाल हो रहे सर। सर सर मेरा समाप्त, मैं करता हूँ ना 2 मिनट में समाप्त, इतना बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, 5 मिनट में सर, इतना बड़ा 20 घंटा दिया है, मैं BSE कमेटी में हूँ जी, हमारे आज आपने मुझे बजट पर बोलने का, आज आपने मुझे बजट पर बोलने का जो अवसर दिया है उसके लिए आपका धन्यवाद। सर मैं पहली बार बोल रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि मुझे पर्याप्त मौका दिया जाएगा बोलने के लिए। सबसे पहले मैं जमुई की जनता सर, सबसे पहले मैं जहां से चुन करके आया हूं जमुई लोकसभा की जनता को अपना धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने पहली बार मुझ पर और तीसरी बार मेरी पार्टी को पे विश्वास करके हमें भारत के संसद में भेजा है। मैं बड़े गर्व और जिम्मेदारी के साथ बजट पर अपनी पार्टी का जो पक्ष रखने का मौका मिला है, आपको समय मिलेगा उसके लिए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपको समय मिलेगा, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी को भी धन्यवाद देता हूँ। नहीं आप बैठिएगा, आपको समय मिलेगा। अध्यक्ष जी मैं बिहार से आता हूं, जो कि भगवान जैन, भगवान बुद्ध, माता सीता, गुरु गोविंद सिंह जी, आचार्य चाणक्य, ओके आरती जी प्लीज जी प्लीज, मुझे मैं पहली बार बोल रहा हूँ, मुझे बोलने का पर्याप्त मौका दिया जाए, मेरी आपसे गुजारिश है, आपका संरक्षण मुझे प्राप्त हो, यह बहुत जरूरी है। बिल्कुल आपको समय दिया जाएगा। अरविंद सावंत जी काइंडली कंक्लूड, आपको 1 मिनट का समय है, प्लीज कंक्लूड। अब सारी बातें इसमें सर है कि ये जो चल रहा है, अभी आपने नीट परीक्षा की बात सुनी, UPSC हमारे पास खेड़कर नाम की एक महिला पकड़ी गई है, देख लो आप, MPSC हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मुंबई में इनकम टैक्स पे 1200 लोगों की भर्ती हुई, 1200 में 3 महाराष्ट्र से, बाकी कहां से आए? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम की भी इंक्वायरी होनी चाहिए, जांच करिए सर। मैं किसी प्रांत से हमारी दुश्मनी नहीं है, पूरे भारतवर्ष से, बाकी सारे राज्य नहीं, 2 राज्यों से सारे लोग आ गए, कमल की बात है। तो जांच करने की मैं मांग करता हूँ। आखिर में 2 मुद्दे रखता हूँ, NCLT, वो NCLT में इसके कितने केस पड़े आपने जिक्र किया है, जेट एयरवेज आज तक उनको NCLT दिखाई दिया, उनके ग्रेजुएटी और PF दे दो, पैसा नहीं मिल रहा है सर। हयात रिजेंसी मुंबई में बंद पड़ा हुआ है होटल, पैसा नहीं मिल रहा है सर, लोग बेकार हो रहे 30-30 साल सर्विस करने के बाद में भी। इसलिए मेरी प्रार्थना है आपसे, इस मुद्दों को लेकर अगर सरकार
युवा युवा बेरोजगार की बात करती हैं, तो उसमें हमें मुझे आपको यही बताना है कि और एक बार आखिरी मुद्दा आता है, ये सब करने के बाद पेंशन, 10 बरस लड़ रहा हूँ ईपीएस पेंशन 90 रुपए, 800 रुपए, 1200 रुपए, क्यों उनसे उनसे खिलवाड़ कर रहे हो सर? और इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करते हैं, महाराष्ट्र के तीन मुद्दे एक मिनट में खत्म कर रहा हूँ। एक है छत्रपति शिवाजी महाराज, ये कहते हैं हमारे महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के आशीर्वाद भाजपा के साथ, और वही छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे स्टेशन पे खड़ा करने के लिए कहा, तो रेलवे का चेयरमैन कहता है पॉलिसी नहीं तो वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैचू कैसे लगाया, विश्वेश्वरय का स्टैचू कैसे लगाया? छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू लगाने के लिए पॉलिसी नहीं है, आपकी लैंड पॉलिसी भी अब तक खराब है सर। और इसलिए प्रार्थना है तो मराठी भाषा क्लासिक लैंग्वेज का दर्जा देना है, छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू बनाना है, और नाना शंकर सेठ, हम जो देश में रेल घुमा रहे हैं ना, वो रेल जिसने देश में पहली लाई उनका नाम है नाना शंकर सेठ, उनका नाम मुंबई सेंट्रल स्टेशन के लिए मांग 10 बरस से करता रहा हूँ। थोड़ा सा आगे बढ़ी सरकार, अभी भी नहीं हुआ है, वो करिए, इतनी मेरी प्रार्थना है, तब जाकर बजट की बात करिए, बाकी सब झटझट है, छोड़ दो। धन्यवाद। हे आहे देशातील नंबर वन न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।